ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। दिल्ली NCR विच आम तौर उत्ते मौसम साफ रहने कारण दिन दौरान वध तो वध तापमान 35 डिग्री सैलसीयस तक वधन दी संभावना दसी गई है, जबकि इस बार घट्टो घट तापमान 14 डिग्री सैलसीयस तक डिग गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य ट्रोपोस्फेरिक पद्धर विच एक चक्रवर्ती सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान अते इसके नेड़ले खेत्रों विच मौजूद है। इस कारण 9 अप्रैल नूं महाराष्ट्र विच गर्ज तेज हवावां नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना है। दूजे पासे दक्षिणी भारत विच तमिलनाडु पुडुचेरी अते कराईकल विच 9 अते 10 अप्रैल नूं अते केरल विच अगले 5 दिनों दौरान मीह पैण की संभावना है। इसके नाल ही 9 अप्रैल नूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अते विदर्भ विच गर्ज बिजली तेज हवावां दे नाल हल्की तो दरमियानी वर्खा होने की संभावना है। IMD के मुताबिक अगले 3 दिनों दरमियान ओडिशा विच गर्ज तेज हवावां दे नाल हल्की बारिश होने की संभावना है। 9 अप्रैल नूं झारखंड विच कई थावां उत्ते मीह पै सकदा है, जबकि देश दे बाकी हिस्सों विच मौसम की कोई महत्वपूर्ण गतिविधि की उम्मीद नहीं है। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों दौरान मध्य भारत उत्तरी प्रायद्वीप भारत के कई हिस्सों विच वध तो वध तापमान आम नालों 2 तों 6 डिग्री सैलसीयस घट रहने की संभावना है। तो मौसम संबंधी असीं तुहानूं जानकारी दित्ती है, सानूं पूरी उम्मीद है तुहानूं इह खबर चंगी लगी होगी। इस खबर नूं ज्यादा तो ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो।